की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर में होंगे। जैसा कि वीडियो क्लिप में शुरू में दिखाया गया आपको कि आज जैसा 5 अप्रैल है, अब ये वीडियो मैं ब्लॉग दिन में शूट कर रहा हूँ, तो शाम को भी हम लोग शाम को, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी से कहा है कि आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बंद होगी और जो भी जैसा भी चाहेगा वो जलाएगा। इस बड़े आयोजन में हम भी शामिल होंगे अपने घर से, अपनी छत से। हम लोग अभी बाहर हैं तो छत पे जाएंगे, जब हम वो जलाएंगे फ्लैश और हमारे पास जो भी है उसके हिसाब से वो वीडियो क्लिप भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और जैसा कि सभी लोगों ने ट्विटर हैंडल पर डाला भी हुआ है, वासुदेवानंद जी महाराज जो हैं उन्होंने, उसके बाद योग ऋषि बाबा रामदेव जी ने, प्रसून जोशी जी ने, साउथ के जो फैन हैं वो जानते ही हैं, मेगा स्टार चिरंजीवी जी ने भी और नागार्जुना जी ने भी किया हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ये YS रेड्डी जी ने भी किया है। यानी दुनिया में ऐसा नहीं है कि ये मुख्य लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये कुछ बता रहा हूँ नाम, जिससे आपको लगे कि दुनिया में अपने भारत में किस स्तर पर इसके लिए जागरूकता है और क्यों कर रहे हैं। सभी ने एक ही चीज़ अपने ट्विटर हैंडल में लिखी है कि सभी लोगों को एक होना है। एक ऐसी लड़ाई जिसपे हम अपने मन से हार रहे हैं, जहां हम अपने को अकेले महसूस कर रहे हैं, उस लड़ाई में हमें एक साथ खड़े होना है। और ये जो दिया जलाने या फिर प्रकाश करने का है, वो जब हम एक साथ आएंगे तो उसकी एकता समझ में आएगी। तो जो भी व्यक्ति ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं होगा कुछ, ऐसा नहीं होने वाला है, तो उनके मन में एक अलग ही चीज़ें आएंगी जिससे उनको अच्छा भी लगे देखेंगे। और हम चाहेंगे सब लोग एक साथ मिलकर, जो मोदी जी ने कहा है 3 अप्रैल को अपने वीडियो के जरिए, कि सभी लोगों को ये करना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। सभी लोग एक साथ आएं तो हम जरूर करेंगे, और साथ में रहेंगे, बाहर भी नहीं जाएंगे हम, और हम इसको अच्छे मन से करेंगे। और सब लोगों का ध्यान रखना अपने। गाइस, ये मैंने बंद की, देखिए अभी लाइट है, बस 1 मिनट और बाकी है, जस्ट काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिया जलाने शुरू हो गए, देखिए ये दिए जलने शुरू हो गए, हमने ये दिए जला दिए हैं। यस, चारों तरफ दिए और फ्लैश हैं, हम सब साथ हैं, कोई अकेला नहीं। ये बिल्डिंग में पूरी फ्लैश लाइट्स है, ये देखिए। हे श्री राम।
ये छत पर केवल फ्लैश लाइट्स जल रही हैं, सभी लाइट्स बंद है। ये देखिए, ये पूरी फ्लैश लाइट्स जल रही हैं। सभी लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि हम सब साथ हैं, अकेले नहीं हैं। ये पूरे पूरे देखिए, पूरा एरिया बंद है। शंखनाद भी हो रहा है, शंखनाद है। जो धैर्य विश्वास की ये ज्योत जगी है, ये हमेशा जलती रहेगी और हमें हर एक लड़ाई को पार कर पाएंगे, यही आशा के साथ। तरह से दिए प्रज्वलित किए, टार्च या फ्लैश प्रज्वलित किए, सब लोगों ने एक साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। यानी जब आपकी पांच उंगली अलग अलग रहती हैं तो आप में वो बल नहीं रहता, लेकिन जब सब एक साथ मुट्ठी बनती हैं तो ये मुट्ठी बनती है, और इसका फिर जोर जो रहता है, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और ऐसी आने वाली विषम परिस्थितियों में लड़ने की हमारे अंदर एक आस जगेगी कि, और सभी लोग जैसे कि लगे हुए हैं, हर क्षेत्र के हर स्तर के लोग लगे हुए हैं, शासन सभी लगे हुए हैं, इसलिए हमें उनमें सहयोग देना है और हमें बनाए रखना है, दूरी भी बनाए रखनी है, जो दिशा निर्देश देंगे उनका पालन भी करना है। और आपने कैसा महसूस किया इस 9 मिनट के दौरान, क्या महसूस किया वो हमें आप बताइए कमेंट करके। बस यही मैं कहूँगा इस समय, सभी लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे डरने की कोई बात नहीं, जो बेसिक जानकारियाँ बताई गई उनको ध्यान में रखना ही है, सब लोग जानते हैं, और थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ तो अच्छा ही होगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।